सब एक साथ बोलो बच्चों, 1 2 3 4 5 6। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज जो है पार्टी कहीं जा रही है और टाइम हो चुका है 12:15। एक घंटा हो गया हम लोगों को निकल के, लेकिन ब्लॉग अभी फिलहाल शुरुआत कर रहा हूं एक घंटे के बाद। मेरे साथ में है विपिन भैया और आगे हैं सालू भैया। आगे जो बैठे हैं हमारे बाबा जी और बगल में जो बैठे हैं मिस्टर गणपत, मतलब इनका नाम जो है मिस्टर करण प्रसाद, लेकिन इनको प्यार से सब गणपत बुलाते हैं। ये गणपत चल दारू ला, वो वाला गणपत नहीं, ये हमारे गणपत हाईवे ड्राइवर हैं। मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी पूरा घूमते हैं। अगर किसी को घूमना हो फ्री में तो बता देना। बिल्कुल सही। तो फिलहाल हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताओ बाबा जी, बताइए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आज कहाँ पहुँचे हैं। अभी हम नहीं बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। चलो फिलहाल ये खुफिया है, सस्पेंस है, खुफिया सस्पेंस है। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाना है। लेकिन जो आज का ब्लॉग है ना, बड़ा मजा आने वाला है आपको। तो कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, आगे बोला जाएगा। दोस्त एक साथ निकले हम लोग। तो कौन कह रहा है इसमें दुश्मन है? दोस्त साथ में दोस्त जाते हैं, दुश्मन नहीं जाते हैं। दुश्मन भी भाई क्या पता, हाँ अंदर क्या कोई किसी को थोड़ी जानता दोस्त का। और देखो हमारे बाबा जी ने चूरन वाला चश्मा लगा लिया, तो अपने आप को ये साउथ का जो हीरो समझ रहे हैं। करोड़ों का है। चलो ठीक है, आज बड़ी मस्ती मजाक होने वाली है वीडियो में, मतलब समझ जाओ वो सब नहीं, लेकिन ठीक ठाक होने वाली है। चलते हैं हम लोग वीडियो में, बने रहिए। ये देखो ये लोगों को कुछ गलत समझ लिया इन लोगों ने। कुछ बोलना चाहता हूँ क्या, मुझे टाइम दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोलो, बोलिए। बोलो तो भाइयों, मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ तो ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ। आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा हाँ। और सफर की बातें भी होंगी, तो कंटिन्यू देखते रहिए। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अब बने रहिए ब्लॉग में, आखिरी तक बने रहो तब मजा मिली। अगर एक सेकंड स्किप कियो नहीं मिली जो पावे के तुम बता दी थन, वही वही मिस वही बने रहना यूपी 55 से। ले ले भैया ले, ओ हो यूपी 55 से, क्योंकि हम हैं यूपी 55 से, यूपी 32 से, हम हैं यूपी 52 से, और हमें ऑल इंडिया 32 जिंदाबाद। चलो भाई देखो, अपनी अपनी सबने बता दिया, तो चलो जाहिर सी बात है हम लोग तो यूपी 55 से हैं, हम यूपी 32 से हैं, यूपी 55 से, यूपी 52। ये हमारे भाई भी यूपी 55 से हैं। नहीं सॉरी, मैं ऑल इंडिया का दर्शन करा सकता हूँ आपको। नहीं तुम यूपी 55 क्या, झूठ मत बोलो, यूपी 55 से हो। चलो यूपी 32। ये देखो ये बन चुके हैं यूपी 32, लेकिन ये ओरिजिनल जो है लखनऊ नवाबों के शहर नहीं, ये ओरिजिनल जो है यूपी 55 से हैं, लेकिन बन चुके हैं यूपी 32 से। वापसी नहीं होगा अब। हाँ बीच में हम लोग गए थे कश्मीरी चाय पीने, तो चचा थे तो वो कह रहे थे बेटा ये जो है ना ये नवाबों ने बना के गया ये चाय, ये साले नवाब पीते थे, मतलब उन्होंने ऐसा कहा था भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कहा था। तो भाई फिलहाल आज के ब्लॉग में ना जितनी बकचोदी होगी उतनी कम है, तो फिलहाल ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, बढ़ते हैं आगे की तरफ और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो भाइयों और उनकी बहनों देखो हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, शुरू कर दिए ब्लॉग बनाना। गाड़ी खड़ा है, अच्छा गाड़ी खड़ी है पहले से। yes. तो ऐसा है, निकलना तो नहीं पड़ेगा ना, हम लोग होशियारी के मारे साइड से निकल के आगे पहुंच गए हैं, और ये है आपके सामने नेपाल का गेट नजर आ रहा है, मतलब बॉर्डर पे हम लोग खड़े हैं। लेकिन भैया जी जो खड़े हैं हाथ बांधे कह रहे हैं पीछे जाओ, होशियारी करके आ गया हो। ये है इंडिया का पार्ट और सामने आप देख रहे हैं नेपाल, ये ट्रैक्टर आ रही नेपाल से, देखो गेट है और यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, देख सकते हैं वहाँ जाके आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, लाइसेंस वगैरह ये लोग लेंगे, जमा करना है आपको, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। ये है देखो भाई भारत और सीमा के बीच का एक खंभा, और एक चेकिंग अभी और बाकी है, अभी बहुत चेकिंग ये सामने है, यहाँ एंट्री करवानी है। हमारे बाबा जी जा चुके हैं एंट्री करवाने, देख सकते हैं
तो यहाँ की एंट्री भी खत्म। एंट्री कुछ नहीं हुई भाई, बाबा जी को पहचानता था तो छोड़ दिया उसने। यह है नेपाल की मार्केट भाई, छोटी सी बॉर्डर की मार्केट है। नेपाल बॉर्डर में एंटर कर गए। ये देख लो। तो फाइनली दोस्तों स्वागत है आपका नेपाल में, वेलकम टू नेपाल। मतलब मेरा भी और आपका भी। तो भैया ऐसा है, अगर आप भी नेपाल आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं या कार से आ रहे हैं, तो आपको बता दूं हम लोग दरअसल जा रहे हैं तौलिहवा। तो तौलिहवा तक जाना है अगर हम लोगों को, तो हमें भंसार कराने की जरूरत नहीं है। जो हमारा इंडियन पोस्ट होगा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना, मतलब एंट्री करवानी है। और उसके बाद आप जब इंडिया वाला बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे आपको एंट्री करवानी है, और जब नेपाल के बॉर्डर पे आ जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सिर्फ एंट्री करवानी है और सुविधा लेना है, सुविधा बनवाना है। क्योंकि अगर आप तौलिहवा तक जा रहे हैं, तो अगर आप लंबा जा रहे हैं तो आपको भंसार बनवाना पड़ेगा। अब ये जगह है दोस्तों जहां भंसार बनता है, और यहां से हम लोग सुविधा बनवाएंगे। ये देख लें आप सामने बोर्ड लगा हुआ है, यहीं से हम लोग सुविधा बनवाएंगे और यहीं से आप भंसार भी बनवा सकते हैं। बॉर्डर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है, वहां पे आपने एंट्री करवा ली, सब कुछ करवा लिया। यहाँ पे आके आपको भंसार बनवाना, अगर आप भंसार बनवाना चाहते हैं, और नहीं तो अगर आप थोड़ी दूर जा रहे हैं बॉर्डर से, तो आप सुविधा बनवा लेंगे। एक बार हम लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन मैंने ये सब वीडियो आपको दिखाई नहीं थी। लास्ट टाइम याद है जब मैं और बाबा जी गए थे बाइक से, हम लोग गए थे नेपाल घूमने, तो ये सब करवाने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि हमारे पास नेपाली नंबर प्लेट की बाइक थी, तो हमने कुछ करवाया नहीं था। तो इस वीडियो में करवा रहे हैं, तो साथ साथ आपको भी बता रहा हूँ कि अगर आप भी आ रहे हैं तो ऐसा आपको करवाना पड़ेगा। उन्हीं के नाम से तौलिहवा में दोस्तों आपका स्वागत है। और ये है तौलिहवा, लेकिन अभी सूखा सूखा नजर आ रहा है। अच्छा ये रास्ता कहाँ जाता है? राइट जाएगा। अच्छा ये है भैरहवा का रास्ता। भाई हम लोग जब आए थे याद है, रोड का काम चल रहा था, तो बन गया। बहुत अच्छा बना दिया यार, डिवाइडर उडर सब देखो भाई। अच्छी अच्छी मार्केट है यार, सुपर मार्केट देखो कितनी अच्छी है। याद है यहाँ पे भरी है भाई, यहाँ पे सुपर मार्केट वर्केट बढ़िया बढ़िया है। मतलब ज्यादा बड़ा सिटी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। सिटीजंस बैंक, कहाँ की बैंक है? नेपाल की बैंक है ये। रॉयल रेस्टोरेंट, बढ़िया रॉयल रेस्टोरेंट, बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो भैया तौलिहवा तो हम लोग पहुंच ही गए, लेकिन तौलिहवा से हम लोग थोड़ा और आगे आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? तिलौरा कोट आ गए हैं, जो गौतम बुद्ध भगवान थे। और ये पहले देखो नजारा भाई, ओ हो, दिल तो गार्डन गार्डन हो गया भाई देख के। अरे चुम्बेश्वरी चीज है देखो, एकदम पीला पीला, मजा आ गया कसम से भाई, कितना गजब दिख रहा है। तो फिलहाल हम लोग यही वो जगह है, जल्दी खोलो जहाँ से रखा भगवान गौतम बुद्ध जो है, वहाँ देखो रील शूट हो रही है। ले भैया ओम फों। तो यहाँ से जो है गौतम बुद्ध भगवान जो थे, यहाँ से चले गए थे, मतलब नाराज होके। और ये जो है तिलौरा घाट, तिलौरा कोट है भाई, ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये जो है भगवान गौतम बुद्ध, हाँ क्या बता रहा था, यहाँ से यहीं पढ़ते थे? नहीं, बुद्ध भगवान पैदा हुए थे लुम्बिनी में। हाँ यहाँ पे बड़े हुए थे। अच्छा, उसके बाद जब बड़े हो गए, शादी ब्याह सब हो गया था उनका, उसके बाद उनको लगा कि देश दुनिया में कुछ नहीं रखा है। हाँ। वो निकल गया थे संत बनने ने। अच्छा, तो यहीं से वो जाके आगे निकल गए ज्ञान, तब बन गए बुद्ध भगवान, उद्दिष्ट हो गए। उनका नाम था सिद्धार्थ। अच्छा, सिद्धार्थ नाम रहना बुद्ध भगवान का, सिद्धार्थ, इसलिए हम लोग का जो है ना सिद्धार्थ नगर। यहाँ देखते हैं कुछ है ना, इंद्रासी नगर का व्यवस्थित रिकॉर्ड भाई। ये तो नेपाली में है, हिंदी में भी है भाई। कहाँ हिंदी में? अरे यार ये हिंदी नहीं है, ये हिंदी आज है। को तिलौरा कोट ने प्राचीन कपिल वस्तु हो भन्ने 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 ये सब खदाई में निकला, देखो ये सब निकला है। अच्छा, ये सब निकला है, ये पुरानी चीजें निकली हैं यहाँ पे देखो। ये देखो ये खुदाई करने का फोटो है, तो खुदाई। अच्छा ये क्या है? अरे नीचे निकला है, ऐसे बना है। अच्छा, तहखाना बना है, ये पूरा बना है भाई। देखो ये यहाँ का मैप है पूरा, इतना बड़ा। आज के जो हमारे गाइड हैं बाबा जी हैं, बच्चे भी आए भाई। फिलहाल यहाँ तो सिर्फ गार्डन दिख रहा है, मतलब काफी पेड़ पौधा है, लेकिन बहुत शांत एरिया है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। गौतम बुद्ध भगवान जो थे वो लुम्बिनी के थे कहते हैं, और यहाँ बड़े हुए थे।
हाँ तो यही है, बाकी मुझे तो उतना मालूम नहीं है, जो बताया बाबा जी ने वही है। और वहाँ देख सकते हैं कुछ बच्चे भी घूम रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं। भाई ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा अच्छा बनाया है। देखो नीचे पत्थर है, ऊपर लकड़ी का पुल टाइप बना दिया है और बड़ा ही मजबूत है ये भाई, बहुत ही बड़ा है। पीछे देखो हम लोग कहाँ से चल के आ रहे हैं, पीछे आप देख सकते हैं, अभी हम लोग और आगे तक जाएंगे, वो सामने नज़र आ रहा है गेट, वहीं पे गेट चल के आपको दिखाता हूँ कहाँ से किस गेट से वो गए थे। बाकी काफ़ी बड़ा स्पेस है, काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं। ये पुल बड़ा मज़ेदार है, लेकिन ये थोड़ा सा लगता पुराना हो गया है कि डैमेज, देखो कहीं कहीं डैमेज है, लेकिन है मजबूत। लेकिन पीछे तो नया लग रहा था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही पुराने लग रहे हैं। ये सामने गेट है। हाँ गाइड साहब बताइए, यही गेट था? कौन सा गेट? यही गेट है, यही यहीं से बुद्ध भगवान गए थे। ये है वो गेट जो जहाँ से चल के ऐसे चले गए थे बाहर की तरफ। ये है गेट की दीवार है, उस तरफ भी दीवार है, और ये बीच में जो है ये गेट है। बाकी ये चिलो मोशन में देखो फोटो खिंचवा रहे हैं, तो हम भी खिंचवाएंगे। और यहाँ गार्ड साहब बैठे हैं, क्या हाल है भैया? ठीक है, कहाँ उड़ने की तैयारी में हो? कहा इसका मतलब ये हुआ कि 29 वर्ष के जब बुद्ध भगवान थे तो उनका पहले नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध भगवान बनने से पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, तो वो छोड़ के चले गए थे राजपाट छोड़ के सब। यो द्वार द्वारा इसको दुबे तरफ फैलियों को ईटा बाटा निर्मित नगर को उत्खनन चाहे सन 1960 में गरियों को भाई 1960 में सब निकला है सब खाना। अच्छा, जब 1960 नेपाल का। अच्छा एक बात बोलूं, चलो भाई लोग तो पढ़ ही लेंगे, और क्योंकि अगर हम लोग आपको पढ़ के सुनाएंगे तो आधा घंटा तो जाएगा ही। हाँ सुनिए, आपके बारे में कहना चाहता हूँ कुछ। जी जी, आपको इतने अच्छे से पता है तो क्यों ना आप यहाँ गाइड बन जाते हैं? मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अरे तो भाई नॉलेज पहले से बाबा है, गाइड बनब। अरे तो क्या हो गया, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अरे बाबू देखो, अच्छा 29 साल के उम्र में सिद्धार्थ गौतम। अच्छा वो ये हमारे दूसरे गाइड आए हैं। ये भाई देखो नेपाली ने लिखा हुआ है, कुछ नहीं आता किसी को, कुछ नहीं आता किसी को, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। हाँ पढ़ो बताइए। नहीं नहीं, यहाँ से पढ़िए। हाल यहाँ से, यहाँ। हाँ चलो यहाँ से पढ़िए। नहीं तो हम पूरा पढ़ नहीं, पूरा नहीं, आधा पढ़, आधा आधा पढ़ चुके हैं पहले। पूरा पढ़ो, हमने ना आया। हटा यार इंग्लिश से पढ़ो, चलो इंग्लिश से पढ़, पहले खाली पढ़ेगा इंग्लिश में। भाई ये टाइम पास कर रहे हैं फिलहाल, हम लोग आपसे बात करते हैं। यहाँ पहली बार आए हो भाई, लेकिन काफी अच्छा यार शांत माहौल है, और यहाँ आके आप बैठ के मस्त कुछ खा पी भी सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ लेके आए मस्त, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं अगर नेपाल में है, अगर नेपाल के हैं तो आप। बाकी वहाँ सामने देख लें कितनी भीड़ है, स्कूल के बच्चे भी काफी सारे आ रखे हैं यहाँ पे। बाकी मजा आ गया, हम लोग आए थे तौलिहवा दरअसल, लेकिन तौलिहवा जो हम लोगों का काम था वो अभी हुआ नहीं, तो हम लोग बोले चलो हम लोग थोड़ा सा आगे घूम के आते हैं, तो घूम के थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो गया, तो अच्छी बात है। ये देखो अब क्या कर रहे हो, ये देखिए सामने। ये सामने जो जा रहे हैं गाइड हैं, और जो बाहर से वो टूरिस्ट आए होंगे तो उनको समझा रहे हैं भाई। और ये देखो एक चीज यहाँ देखो कितना ख्याल रखा गया है, कचरा कचरा देखो कहीं नजर नहीं आएगा आपको, खा पी के आप डस्टबिन में डालें। अच्छा ये पेड़ भी काफी पुराना लग रहा है, कितना पुराना ये नहीं पता। अच्छा यहाँ बोर्ड लगा है, नहीं इसमें भी नहीं है। ये सब भी भाई पुराने जमाने का है, लेकिन अब हमें नहीं पता तो क्या कर सकते हैं, या तो प्रॉपर एक गाइड रखो, और गाइड रखोगे तो पैसा दो, तो हम लोग काहे पैसा देंगे और काहे गाइड रखेंगे। बाहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और भाई चलते चलते हालत खराब, क्या नाम है, प्यास लग गई। और जिस काम से हम लोग आए ना अभी बताएंगे नहीं, जब पहुंचेंगे वहां तब आपको बताएंगे, हो सकता है वो जो काम है ना वो आपको दूसरी वीडियो में देखने मिलेगी। मजा आया,